नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं कर्नाटक से कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। हम आपको बता दें, बस 3 दिन का इंतजार बचा है, उसके बाद कर्नाटक में होने वाले हैं चुनाव। मैं इस वक्त मौजूद हूं कर्नाटक के बेंगलुरु यानी राजधानी बेंगलुरु से 425 किलोमीटर दूर हुबली धारवाड़ में। ये कर्नाटक का ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है, जुड़वा शहर। 15 लाख की यहां आबादी है। अकेले अगर आप हुबली की बात करेंगे तो ये यहां का व्यवसायिक केंद्र है। हुबली की जनता किसके नाम पर मोहर लगाएगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जनता का मूड क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को जीत दिलाएंगे या इस बार फिर से राहुल गांधी कांग्रेस के साथ बाजी मार ले जाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आइए जल्दी से मैं आपका उनसे परिचय करा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से महेंद्र सिंघी जी आज की इस चर्चा में शामिल है, स्वागत है आपका। बीजेपी से भरत भंडारी जी आज रहेंगे इस चर्चा में, और इसके साथ ही जेडीएस से अफरोज जी हमारे साथ मौजूद है, और यहां पर हुबली की जनता भी हमारे साथ है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। हुबली की जनता, कुछ चेयर्स खाली है लेकिन वो जल्दी भरने वाली है। और इससे पहले कि सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू हो, किसका होगा कर्नाटक ये जाने हम हुबली से। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो सर्वेज आ रहे हैं ना, वो सर्वेज क्या कह रहे हैं, कौन सी पार्टी जीत रही है, देखिए। बिल्कुल नेहा, दरअसल आपने वहां जनता से पूछना है कि आखिर जनता क्या कहती है, लेकिन सर्वे क्या कहता है ये अपने दर्शकों को जरा पहले बता देते हैं। जो तमाम सर्वे हैं वो क्या इशारा करते हैं, अगर आंकड़ों पर गौर करें वो अपने दर्शकों को सबसे पहले हम दिखाते हैं। ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं किस ओर इशारा कर रहे हैं, सबसे पहले अगर एबीपी न्यूज के आंकड़ों की बात की जाए तो वो हम आपको दिखाते हैं। सीएसडीएस लोक नीति के सर्वे के मुताबिक ये देखिए, आप मेरी बाईं तरफ देख सकते हैं तमाम आंकड़े आ चुके हैं। आप ये देखिए, बीजेपी को 84 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। कांग्रेस के खाते में 97 सीटें जा रही हैं, जेडीएस के खाते में 37 और 4 अन्य के खाते में 4 सीटें अन्य के पास जा रही हैं। ये तो हमने इस सर्वे का जिक्र किया, एक और भी ताजा सर्वे हुआ है, आखिर वो क्या इशारा करता है उस पर भी नजर डालिए। न्यूज एक्स सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक जो आंकड़े हैं वो अब आपके सामने। ये देखिए, बीजेपी के खाते में 87 सीटें जा रही है, कांग्रेस के खाते में 90 सीटें जा रही हैं, जेडीएस के खाते में 39 सीटें और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। तो एक जो बड़ी तस्वीर नेहा नजर आ रही है वो ये कि जेडीएस की भूमिका बहुत बड़ी होने जा रही है, और एक लिहाज से कहा जा सकता है कि सत्ता की चाबी जेडीएस के पास होगी। तो हम आपको लिए चलेंगे वहां पर, क्या माहौल है कर्नाटक में, जनता क्या कहती है वो आपको बताएंगे, लेकिन हमने आपको ये कुछ आंकड़े दिखाए, इसका क्या मतलब है इसका सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जनता क्या कह रही है इस पर, नेता क्या कह रहे हैं आपको बताएंगे कर्नाटक से। नेहा, शुक्रिया आपका अखिलेश। तो आइए एक बार फिर से, अब हम यहाँ हुबली में आ गए हैं, जनता हमारे साथ है, तीनों नेता हमारे साथ हैं। मैं आपको बता दूं, धूप यहाँ पर है लेकिन बड़ी तेज हवा भी चल रही है। अरे भाई, ये हवा जो आंधी की तरह चल रही है, महेंद्र जी किसकी आंधी है ये, प्रधानमंत्री मोदी की आंधी तो नहीं? जो विकास सन्मान्य सिद्धरामय्या साहब ने किया है वो पूरे लोगों की आशीर्वाद की आंधी है। ये आशीर्वाद दे रही है कर्नाटक की जनता कि सिद्धरामय्या जी पुनः एक बार सरकार बनाओ। ये कर्नाटक के 6 करोड़ कन्नड़ी गांव का आशीर्वाद किया। अगर ये सिद्धरामय्या जी की आंधी है तो फिर इसमें बीजेपी उड़ जाएगी, ऐसे तो है? देखिए, ये जो आंधी शुरू हुई है ये नॉर्थ से शुरू हुई है और अभी साउथ में आ रही है, तो ये सिद्धरामय्या की विकास की आंधी नहीं है, ये उनके विनाश की आंधी है। और ये कर्नाटक कांग्रेस का अंतिम मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या जी कर्नाटक में होने वाले हैं। अरे तो अफरोज साहब, आप लोग कहाँ हैं, जेडीएस किधर है? वो कह रहे हैं हमारी आंधी है, वो कह रहे हैं हमारी आंधी है, आप क्या कर रहे हैं? सब पता चल रहा है कि तो एग्जैक्ट वो से पता चल रहा है कि 40 से 50 हमारे सीट आएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी सरकार हमारी होगी। ये आंधी से पता चल रहा है कि दोनों टीम सफाया हो जाएंगे इधर से और हमारी सरकार होगी जेडीएस की। अच्छा, मैं इससे पहले आप लोगों के पास आऊं, जल्दी से जरा मैं दर्शकों से, यहाँ पे जो हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है उनसे जान लेती हूँ। मुझे एक चीज बताइए, कौन जीत रहा है कर्नाटक? कितने मानते हैं बीजेपी कर्नाटक जीत रही है, हाथ खड़ा कीजिए, कितने मानते हैं बीजेपी कर्नाटक? क्यों लग रहा है बीजेपी कर्नाटक जीते? वो कह रहे हैं सिद्धरामय्या की आंधी है, आप कह रहे हैं बीजेपी कर्नाटक जीत रही है। अब की बार सरकार बदलनी है तो अच्छे दिन आएंगे, तो नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, हम लोग नरेंद्र मोदी को वापस अगले 5 साल प्राइम मिनिस्टर में देखना चाहते हैं। पर यहाँ तो येदुरप्पा आएंगे ना पावर में, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं आप लोग?
नहीं, येडियुरप्पा के इधर के मुख्यमंत्री बनेंगे जरूर, लेकिन अगले लोकसभा का इलेक्शन भी है ना, उसके लिए भी अभी तैयारी चल रही है हमारे वहाँ। और किसे लगता है कि बीजेपी यहाँ सरकार बना रही है? फिर मैं कांग्रेस वालों के पास भी आऊंगी। और किसे लगता है, हाथ खड़ा कीजिए, किसे लगता है बीजेपी सरकार बना रही है? क्यों बना रही है बीजेपी सरकार? राज्यसभा और लोकसभा दोनों आने से हुबली का और कर्नाटक का विकास होगा, इसलिए बीजेपी सरकार बनेगी। अच्छा, केंद्र राज्य दोनों जगह अगर एक ही पार्टी की सरकार हो। महेंद्र जी, फिर ये बताइए, राहुल गांधी आज बेंगलुरु में गणपति मंदिर गए दर्शन करने, फिर मस्जिद गए, डर लग रहा है उन्हें, है सरकार वापस आए या नहीं आएगी, इसलिए भगवान की शरण में? कांग्रेस को धर्म के बारे में सिखाने की किसको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इतिहास स्वातंत्र संग्राम में जो लड़ा है, सभी जाति धर्मों को साथ मिलकर लड़ा है। आज सभी धर्म का आशीर्वाद लेते हुए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो किसी को आपत्ति क्यों है? अच्छा ये बताइए, मंदिर किस लिए गए राहुल जी? कर्नाटक चुनाव जीते इसीलिए या प्रधानमंत्री बनने की मन्नत मांगी? गए हैं 6 करोड़ कन्नड़ियों को इस वर्ष अच्छी वर्षा हो, फसल अच्छी आए कर्नाटक में, कर्नाटक की जनता का भला हो, इस उद्देश्य के हैं। ये एक छोटे राज्य के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता नहीं जाते, उनका कौन सा छोटा राज्य? कर्नाटक छोटा राज्य है, उसके लिए राजनीति। सर ये तो तौहीन हो गई कर्नाटक की, बताइए कर्नाटक छोटा राज्य, दक्षिण का सबसे बड़ा दुर्ग है ये। देखिए, इसी से पता चल जाता है कि कांग्रेस का नजरिया कर्नाटक के प्रति कैसा है। आज इतने बड़े राज्य को वो छोटा राज्य कहकर उसका अपमान कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, उसके बाद जब ये हमारे साथी बता रहे कि धर्म कांग्रेस के लिए भी उतना ही प्यारा है, तो मंदिर अभी क्यों याद आ रहे हैं? और बताइए, एक तरफ हिंदुओं के मंदिर आप जाते हैं, दूसरी तरफ लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा करके हिंदू धर्म में बंटवारा करते हैं, ये तो डबल स्टैंडर्ड है सर। मैडम बिल्कुल नहीं है, स्टैंडर्ड की बात करने के लिए बीजेपी के पास शब्द और व्याख्या नहीं कर सकते। आज हमें सभी धर्म का सद्भाव करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। आज सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। धारवाड़ जिले की मैं अगर बात करूं, 7 सीटों में किस पार्टी ने सभी को दिया? आज कांग्रेस पार्टी बैकवर्ड माइनॉरिटी लिंगायत मराठा और कुर्बा कम्युनिटी देती है। कांग्रेस पार्टी का जो हाथ है सभी समाज को, जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया वो संविधान की करीब। सर हुबली में पानी की बड़ी समस्या है, सिद्धारमैया जी 5 साल में पानी तो दे नहीं पाए, पानी पिलाएगी यहाँ की जनता आपको? यहाँ का कॉरपोरेशन जो है पानी की व्यवस्था सिद्धारमैया जी ने करते, हमने भरसक कोशिश की 24/7 पानी लाने के लिए। हमारे के हुबली से दुर्भाग्य, हमारे मुख्यमंत्री हुबली से हैं जगदीश शेट्टर बीजेपी के, 5 बार उनको चुन के लाए 25 साल तक, हमारे कॉरपोरेशन बीजेपी के हाथ में। मैं बीजेपी जिम्मेदार है, हुबली में पानी नहीं आ रहा, आप जिम्मेदार है। देखिए पानी कुछ हुबली में पैदा तो होता नहीं है, उसके लिए कई और भी मलप्रभा का है उधर है, और यहाँ पे जो भाजपा की कॉरपोरेशन है आज 100 करोड़ रुपया उसका जो पिंचनी का जो अपना रिटायरमेंट बेनिफिट का जो एम्प्लॉयज को देना है, जो इन्होंने अपने अलग अलग फंड में से निकाल के दिया हुआ है कि भी अपना राज्य सरकार से आ जाएगा करके, आज तक उन्होंने राज्य सरकार ने सर ये दोषा प्रत्यारोपण होता रहेगा। हुबली की जनता को पानी कौन देगा? बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर रही है, कांग्रेस बीजेपी पर। हुबली को पानी देना है तो वो जेडीएस ही देगी, और ये जेडीएस सरकार जो है और यहाँ पे जो हुबली में महादाई का जो प्रॉब्लम चला है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा ली है हमारी पार्टी, और उनपे ज्यादातर केस पड़े हैं हमारी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर, और इसमें दोनों पार्टी का भी दोष है। और सिद्धारमैया जी बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, ये स्टेट के अंदर है बोल के। ठीक है, उस जरा ध्यान से अपने पीछे देख करके रहिएगा। यहाँ मैं जनता के पास जरा आना चाहूंगी, किसके सवाल है यहाँ पर, हाथ खड़ा कीजिए, सवाल किसके है? थोड़ा जोश से हाथ खड़ा कीजिए, आप ही लोगों के राज्य में चुनाव हो रहा है, आपका सवाल है? किसका सवाल था जिसने हाथ उठाया था, किससे सवाल है आपका? कर्नाटक में करीब 10 साल छोड़ के पूरा कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कर्नाटक के उसमें भी नॉर्थ कर्नाटक का जो सौतेला व्यवहार हुआ है वो समझो आप नॉर्थ कर्नाटक को दूसरे दर्जे के नागरिक समझ के उधर की सरकार ने व्यवहार किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार भाजपा की सरकार आए। ठीक है, बताइए नॉर्थ कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, उत्तरी कर्नाटक के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया? केंद्र सरकार ने सौतेला व्यवहार किया, मुझे भी दर्द है। केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, कर्नाटक में लिंगायत समाज बहुमूल्य लिंगायत समाज है, एक भी केंद्र में लिंगायत मंत्री नहीं है। आज जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होता है 2% के लोगों को मंत्री बनाया जाता है, मेरे लिंगायत भाई सबसे बड़ी तादाद है कर्नाटक में, लेकिन मोदी जी बात तो सब धर्म की करते हैं। जब केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार करना था, मैं मेरे भाई की बात को सहमत हूँ, कर्नाटक से हमारे बड़े दिग्गज नेता है भाजपा से, लेकिन कर्नाटक को उसका ड्यू प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया, बस बातें करते रहते हैं, बड़ी बड़ी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले। नहीं देखिए, जैसे कि अभी हमारे
ने प्रश्न किया कि भाई नॉर्थ कर्नाटक को क्या दिया है, नॉर्थ कर्नाटक को अगर किसी ने कुछ दिया है तो सिर्फ भाजपा ने दिया है। आईआईटी कर्नाटक हुबली में धारवाड़ में भाजपा सरकार ने दिया है, साउथ वेस्टर्न रेलवे भाजपा सरकार के इसमें आया है, और आईआईटी जब हुबली रेड्डी बंधु भी आप ही ने दिए हैं, बेल्लारी बंधु टिकट उनको आप ही ने दिया है तो उनके पार्टनर को इन्होंने वापस जोत ले लिया ना, अनंत सिंह को बोल रहे जिस रेड्डी बंधु के बारे में वो बता रहे थे कि भ्रष्ट है, बल्लारी इज ए डिफरेंट रिपब्लिक, उसी के ये तो दंगा हो रही कांग्रेस, कांग्रेस में आए तो धूल रहे। आप बताइए आपके पास कौन सी गंगा है कि उसमें आकर के जितने करप्ट होते हैं वो धुल जाते हैं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं आपकी सरकार सिद्धारमैया सरकार नहीं है, सीधा रुपया सरकार है बस। मैडम इस बात के ऊपर इनके अंदर दम था, इनके अंदर तो सिद्धारमैया ने कल डिफॉर्मेशन केस डाला, उनको नोटिस दिए। आज गंगा वाराणसी की गंगा हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर साफ नहीं हुई, हमें कहते हैं आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, एक बाजू येडियुरप्पा एक बाजू जनरल रेड्डी, और मुख्यमंत्री किसको बना रहे आप, मुख्यमंत्री जो जेल में गए बाकी बेल में बैठे, तुम्हें बात करने की बताओ आपको बात करने आप कैसे बात कर सकते बताइए, एक रेड्डी दो रेड्डी। येडियुरप्पा जी के ऊपर आरोप था लेकिन वो आरोपों से बरी हो रहे कोर्ट के, लेकिन इनके सर्वोच्च नेता जो भूतपूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, आज वो खुद 5000 रुपए के फ्रॉड केस में ये सर बेल पर आकर राहुल गांधी यहाँ पर सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, वो खुद बेल पर है राहुल गांधी। मैडम ये सरासर मीडिया का प्रोपोगंडा है, कंप्लीट मीडिया फैक्ट है, आप फैक्ट चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए। एक मैं जब बात कर रहा था मैंने बीच में बात नहीं की, फैक्ट चेक कर लेंगे, ये तो ओपन केस है कि नेशनल हेराल्ड केस में उनको बेल मिली हुई है। मैडम आज बहुत षड्यंत्र रचा जा रहा है भारत में, भारत में संविधान की रक्षा नहीं की जाती है, कांग्रेस के लोगों पर ईडी द्वारा इनकम टैक्स द्वारा हर एक फोर्स लगाकर मोदी जी चाह रहे हैं कि मैं कर्नाटक की सत्ता हासिल करूं, इनका सपना जो है दिन का सपना दिन में रह जाएगा। क्या बीजेपी दिन में सपने देख रही है, एक मिनट एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी की लहर हुबली में है या नहीं, कितने मानते हैं लहर है, ये कह रहे नहीं है, एक मिनट एक एक करके एक एक करके एक मिनट, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता ही मन, हाँ नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, एक मिनट देखिए कुछ महिलाएं भी है यहाँ पर, एक मिनट। हाँ जी वैसे आप कांग्रेस पार्टी से ही है मुझे दिख रहा है, आपने बैज लगा रखा है, आप बताइए कोई सवाल पूछना चाहेंगे मैम जो हमारे नेता यहाँ पर है उनसे, जी पूछिए, एक मिनट एक मिनट मैं माइक लेकर आती हूँ आपके पास, हाँ बोलिए। ये मर जो भी होगा सिद्धारमैया का सरकार ही होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि सिद्धारमैया की सरकार गई, भाजपा आई, भाजपा नहीं गई कांग्रेस ही आएगा, हम लोग कांग्रेस क्या कह रहे हैं, मान के लिए हर इंसान के लिए सब सत्यानाश किया है, कुछ करा है, एक मुसलमान की इज्जत नहीं रखे, एक लिंगायत रखे, एक वाची दलित लोगों की कुछ है, सब भी नीलाम करके रखे गए। बताइए कौन कौन खुश है, कौन खुश है भारत जी, कौन खुश है, मुसलमान खुश नहीं, दलित खुश नहीं, महिलाएं खुश नहीं, आती हूँ तुरंत। एक तो सबसे हमारे भाई ने पहले एक वो के जाति आधारित बात की थी कि भाई लिंगायत को वो टिकट नहीं दिया है, वो एक तो बात मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भाजपा में जो भी टिकट मिलती है उनकी योग्यता के आधार पर मिलती है, उनके जाति देखकर कोई भी टिकट नहीं दी। बंधुओं की कौन सी योग्यता है, एक चीज दूसरी, आपको दलित प्रेम 70 साल बाद अभी याद आया, अंबेडकर ये रिकॉर्ड है, आप कोई भी गूगल में सर्च कर दीजिए, अंबेडकर जी को 2 बार लोकसभा के इलेक्शन में पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस ने हराया हुआ है और आज वो अंबेडकर की दुहाई देते हैं। बताइए चुनाव के वक्त सब आपको याद आते हैं, अफरोज जी तुरंत आई मैं आपके पास। हाँ अंबेडकर जी के बारे में बोलने के लिए पवित्र जुबान होनी चाहिए, भाजपा की जुबान पवित्र नहीं है। आज इनके मंत्री ये बोलते हैं कि हम लोग किस आधार पर, योग्यता के आधार पर हम लोग देते हैं, तो मुझे दर्द हो रहा है कि कर्नाटक में लिंगायत समाज में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो केंद्र में मंत्री बने। प्रभाकर खोरे हजारों संस्था चलाते, सुरेश अंगड़ी योग्यता नहीं, मुझे डर है कि लिंगायत समाज में योग्यता के लोग। अच्छा चलिए लिंगायत मंत्री नहीं बने, ये बताइए मुझे राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2019 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे अगर उनकी पार्टी सबसे बड़ा दल हुआ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बाल्टी लगा दी और कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ऐसे थोड़ी होता है लोकतंत्र में, ऐसे होता है क्या? मैडम जो व्यक्ति करियप्पा जनरल करियप्पा के बारे में बात किया, जो व्यक्ति 50 साल के इतिहास के बारे में झूठ बोल सकता है, अगर हम लोग सत्ता में आएंगे
तो निसंकोच हमारे 56 इंच के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी को डॉक्टरेट देंगे। किस चीज का डॉक्टर? सवाल राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर था। आ रहा हूँ, इसी पर आइए ना। किस चीज का डॉक्टरेट बोल रहा हूँ? आज झूठ बोलने में कोई अगर भारत में है तो नरेंद्र मोदी जी को भारत रत्न देना चाहिए। बोलिए आती हूँ। देखिए इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, एक ही बात करते हैं। बोल रहे ना, राहुल गांधी कह रहे हैं हम जीतेंगे और मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूँ। आप कह रहे हैं बोलने को कुछ नहीं है। बेसिक नॉलेज राहुल गांधी जी को क्या एक राहुल गांधी जी को लोकतंत्र का बेसिक नॉलेज भी नहीं है। प्रधानमंत्री कब बनता है? जब उसकी पार्टी के एमपी जीत के आते हैं तो पार्लियामेंट्री पार्टी में कोई भी पीएम डिक्लेयर होता है ऐसा। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम लोग ये जो शो है इसमें बहुत छोटा सा एक रुके हुए हैं हम, इस वजह से क्योंकि आप शायद सुन भी पा रहे होंगे, अजान इस वक्त चल रही है 2 मिनट के लिए तकरीबन, और तब तक यहाँ पर उसके लिए शांति बनाए रखी हुई है और उसके बाद ये जो कार्यक्रम है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि लाइव कार्यक्रम में आप देख रहे हैं दर्शक यहाँ पर खचाखच भरे हुए हैं जो हमारी ऑडियंस है, लेकिन हम अजान की वजह से अभी कुछ यहाँ पर कार्यक्रम जो है उसे आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हुबली में मैं इस वक्त हूँ, शाम का वक्त यहाँ पर हो गया है और अभी आपने देखा कि कितनी गहमा गहमी और गर्मी थी। चलिए तो एक बार फिर से कौन बनेगा मुख्यमंत्री का अपना ये कारवां आगे बढ़ाते हैं। अजान जो है वो पूरी हो गई है, एक बार फिर से रुक करेंगे सियासत में, यहां पर किसका डंका बजेगा। एक मिनट जल्दी से मैं कुछ सवाल लेती हूँ, हाथ उठाइए आप लोग, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके पास आना है। तुरंत आ रही हूँ। हाँ, सवाल किससे? मेरा प्रश्न बीजेपी के प्रतिनिधि के है। हाँ। क्या आपको मोदी के ऊपर विश्वास है? किस बात के लिए? किस बात के लिए? सवाल सीधा पूछिए ना, मोदी पर विश्वास मत। पूछ रहा हूँ, अगर उनको विश्वास है तो मैं उनको आपके मुखांतर पूछना चाहता हूँ। मुझे नश में हूँ मैं, मुझे एक 2 लाख लोन दे दो, मोदी मेरे अकाउंट में जब 15 लाख डालेगा वापस दे दूंगा। क्या हुआ तेरा वादा 15 लाख? क्या हुआ तेरा वादा? देखिए सिर्फ मुझे नहीं देश की 125 करोड़ जनता को मोदी जी के ऊपर विश्वास है, उसके लिए उतने भारी बहुमत से वो जीते हुए है। 15 लाख तो आया नहीं, रही बात 15 लाख की, 15 लाख 15 लाख 15 लाख एक नेशनल फिगर होता है, 15 लाख एक नेशनल फिगर है। आज 15 लाख एक नेशनल फिगर होता है। आज आप प्रधानमंत्री आवास जिसे आप नेशनल कहते हैं लोग उसे जुमला कहते हैं, जुमला। कुछ सवाल हो रहे हैं, कुछ सवाल हो रहे पीछे पीछे। हाँ, किससे सवाल है जल्दी? मैडम ये कहते हैं मोदी जी ने क्या क्या है, पिछले 4 साल में हमारे हिंदुस्तान में एक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ है और एक आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया, ये हमारे 56 इंच का बताइए, ये उपलब्धि नहीं है आपके यहाँ? 26/11 हुआ, वो कह रहे हैं देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। ये भारत माता इनका ठेका नहीं लिया है, भारत माता जो संविधान के इलाज में रखते, चोर के हाथ में अगर चाबी दे जाए तो चोरी कहां से होगी मैडम? चोर के हाथ में जो लोग ये दिलों को तोड़ने का काम करते हैं, कांग्रेस और सिद्धरामैया ने, प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप लोगों में 6 अवगुण हैं जिसमें सांप्रदायिकता, विभाजन करना, लिंगायतों को अलग करना, ये सब आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। सिद्धरामैया जी अपने ब्रीफकेस में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के चलते हैं भ्रष्ट मंत्रियों के लिए। मैडम हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमने बहुत सा शासन किया है। अगर कांग्रेस ने सबसे बड़ा कार्य क्यों किया है, हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई सभी जो संविधान के मानने वाले लोग हैं उनके दिल को जोड़ने का जो शानदार काम कांग्रेस ने किया है, बीजेपी जन में कभी। चलिए बहुत सारे वादे वादे वादे। हाँ, किससे सवाल है? अगर 125 करोड़ जनता देख रही है, 22 राज्यों के अंदर शासन करने वाली बीजेपी आज देख लीजिए 23वां राष्ट्र कर्नाटक होगा और बिल्कुल कर्नाटक यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ये बताइए अफरोज साहब, आप लोग तो ना 3 में है ना 13 में है, आप छोड़ दीजिए किंग बनने का सपना, किंग मेकर से ही खुश हो जाइए। मैं किंग मेकर का सपना छोड़ दूंगा, मैं अहम मुद्दा इधर जो है पानी का, ये दोनों पार्टी जो है पानी का मुद्दा भड़का के ये लिंगायत समाज वो समाज बोल रही है, यहाँ पे हमको पानी चाहिए मेन मुद्दा, उस पर भड़का रही है जनता को। पानी के मुद्दे के पे बात कीजिए आप, पानी का मुद्दा अहम है। ये सिद्धरामैया जी ने बोला था कि जो हमारे कार्यकर्ता पानी के मुद्दे के अंदर जो उनके ऊपर केस पड़ा है
तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में करके बोला था। मतलब टोपी ट्रांसफर हो रही है ना, टोपी ट्रांसफर। आप लोग सब हुबली से आते हैं, बताइए पानी कितना बड़ा मुद्दा है। हाथ खड़ा कीजिए, कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, पानी कितना बड़ा मुद्दा है कौन बताएगा? वो पीछे, एक मिनट, पीछे 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 पीछे। हाँ, पानी का मुद्दा ये जो बता रहे हैं, पिछले 50 साल 55 साल में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, इसी 10 साल में बीजेपी सरकार ने यहाँ पे 30 वार्ड्स में 24x7 पानी दिया हुआ है। अच्छा चलिए सुनिए, एक मिनट एक मिनट, मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक एक शब्द में ये बताइए कर्नाटक कौन जीत रहा है, जल्दी कर्नाटक कौन जीत रहा है? बीजेपी अभी तक नहीं कर रहा। कर्नाटक कौन जीत? बीजेपी। बीजेपी कर्नाटक मोदी कौन जीत रहा है कर्नाटक? बीजेपी। कांग्रेस भी हो सकता है? बीजेपी। कांग्रेस जीतेगा? कांग्रेस। कांग्रेस। चलिए तो ये आप देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त मूड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जनता जो है कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए कह रही है, सिर्फ 3 दिन बाकी है, यहाँ पर 12 मई को वोटिंग होगी और 15 को यह तय हो जाएगा कि दक्षिण का ये बड़ा राज्य, सर छोटा राज्य नहीं, देश का हर राज्य बहुत अहम और बड़ा है, कर्नाटक के इस राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।